तो रसायन के अध्ययन में हम आपके लिए ले आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन के बनाने की प्रयोगशाला विधि। मित्रों, ऐसे क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिर में ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है क्या? आप अपना क्वेश्चन बैंक जो भी है आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर मित्रों ये जिक्र किया गया है। मित्रों, अगर बात करें ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो अणुसूत्र है O3 है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, एरो मार्क ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और ये जो एक ऑक्सीजन होता है ये उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये इसका संरचना सूत्र है, ये इसका अणुसूत्र है। दरअसल प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं, 3O2 एरोमा 2O3। अब यहाँ पर देखते हैं जरा ये है क्या। नीरव विद्युत विसर्जन के लिए सीमेंस का ओजोनाइजर या बाडी का ओजोनाइजर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर मित्रों इसमें मेथड की अगर बात करें, विधि के बारे में यदि बात करें, क्या इसका विधि है, यह एक यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परत नली में डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है, तार लटका देते हैं। यानी मित्रों जरा ध्यान दें, इसमें एक यू आकार की नली होगी, एक सिरा काफ़ी चौड़ा होगा यू आकार की नली में, और इस सिरे में एक पतली परत की नली लटका देते हैं, जो सिरा चौड़ा होता है लटका देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नली डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। इस परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है, इसमें प्लेटिनम का तार लटका होता है। ध्यान दीजिएगा, सारे उपकरण को तनु H2SO4 में डुबा देते हैं और इस बर्तन में भी एक तार लटका देते हैं जो प्लेटिनम का होता है। अतः नली में शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं जिसमें 12 से 14% ओजोन गैस प्राप्त होती है। मित्रों आपके पास बुक होगी तो वहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा, इसके लिए फिगर भी बनाया गया है, तो वहाँ आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मित्रों ये आपके लिए समझ में आएगा। मित्रों अगर इसके गुण के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आप बुक में अपना देख लीजिएगा, ठीक, कैसे इसका फिगर बनाया गया है। गुण प्रॉपर्टीज़, यह स्टेनस क्लोराइड को तनु या सीएल की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड को ऑक्सीकृत कर देता है। मित्रों ये जो स्टेनस क्लोराइड है तनु या सीएल की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि अगले कंपाउंड में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड है, 6HCl है, O2 है, रोमार 3, HCNCl4 प्लस 3H2O, राइट, ये मित्रों इसका रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखिए ये ध्यान दीजिए, यह फेरस सल्फेट को H2SO4 की उपस्थिति में फेरिक सल्फेट में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ये आप देख पा रहे 2FiSO4 है, O3 है, H2SO4 है, एरो मार्क FiSO4 का होल थ्रा से H2O है और O2 है, राइट। अब आप नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ओजोन KI विलयन को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, 2KI प्लस H2O O3 ओजोन KOH I2 आयोडीन। अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग प्रबल ऑक्सी कारक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, ओजोन परत परावैगनी किरणों के लिए एक अवरोधक कार्य करता है। मित्रों परावैगनी जो किरण होती है सूर्य से निकलती पृथ्वी तक आती है, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, उन परावैगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिससे हम आप लोग क्या होते हैं मित्रों, सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए इस वीडियो लेक्चर में ओजोन के बारे में, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।